आपको जैसे ही यह पता लगता है कि आप माँ बनने वाली हैं, आपके घर में एक नन्ना मेहमान आने वाला है, तो आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, आप बहुत खुश होती हैं। साथ ही आपके परिवार वाले भी इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश होते हैं। खासकर माँ बाप के लिए तो यह एक अनोखा अनुभव होता है। वे अपने आने वाले बच्चे की फ्यूचर की प्लानिंग भी करने लग जाते हैं कि उन्हें अपने बच्चे के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर उनके मन में कहीं ना कहीं यह उत्सुकता आती है कि उनके घर में जो नन्ना मेहमान आने वाला है वह लड़का होगा या लड़की, क्योंकि फिर वे उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको यही बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जिनको देखकर आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में जो नन्ना मेहमान आने वाला है वह लड़का है या लड़की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैम प्रेगनेंसी टिप्स। गाइस, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग नहीं करते हो तो। फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो में यही बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान ना कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर आप ना यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो घर में पलने वाला जो बच्चा है वह लड़का है या लड़की। फ्रेंड्स, वैसे लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना तो मैं करती हूँ और ना ही मेरा चैनल ना बिल्कुल भी इस बात को बढ़ावा देते हैं। यह वीडियो तो मैं बस इसीलिए बनाती हूँ कि कुछ लोगों के अंदर यह क्यूरियोसिटी होती है कि उनके घर में जो आने वाला बच्चा है वह कौन है, तो इसीलिए बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ना इस पर पूर्ण रूप से विश्वास न करें, सिर्फ ना अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए ही ये वीडियो देखें। तो फ्रेंड्स, नंबर एक होता है महिला के जन्म से। अगर गर्भवती महिला उस महीने में गर्भवती होती है जिसमें उसका खुद का जन्मदिन होता है, तो महिला के गर्भ में लड़का होने की संभावना है सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर किसी महिला का जन्मदिन जनवरी महीने में आता है तो वह जनवरी महीने में ही गर्भधारण करती है या कंसीव करती है, तो 101% लड़का होने की संभावना होती है। नंबर दो, महिला के आलस्य से। प्रेगनेंसी के अंदर महिला बहुत चुस्त और तंदुरुस्त रहती है, ताजगी महसूस करती है, तो यह पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की अधिकता की वजह से हो सकता है। तो ये माना जाता है कि उसके गर्भ में जो पल रहा शिशु है ना वो लड़का ही होगा। नंबर तीन होता है प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन का रंग। प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिला के यूरिन का रंग गहरा है अर्थात पीला है तो यह लड़का होने का लक्षण होता है। अगर यूरिन का रंग हल्के पीले रंग का है तो यह लड़की होने की निशानी माना जाता है। नंबर चार होता है बच्चे की हलचल से। ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि अगर बच्चा पसलियों में किक मारता है, उसकी किक पसलियों में महसूस होती है, तो घर में लड़का होने की संभावना है ना वो ज़्यादा हो जाती है। अगर बच्चा पेट के निचले हिस्से में लात मारता है, उसकी किक ना निचले हिस्से में महसूस होती है, तो गर्भ के अंदर लड़की होने की संभावना होती है। ये थे कुछ ऐसे लक्षण फ्रेंड्स जिन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्भ के अंदर लड़का है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।